हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दिन आपको स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MH 09 का लेसन 9 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे युद्ध अवधि के दौरान राष्ट्रवादी राजनीति के बारे में। 1914 से लेकर 1917 का जो टाइम पीरियड था, जब विश्व के अंदर में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान में भारत ब्रिटिश सरकार का गुलाम था। प्रथम विश्व युद्ध का कहीं भी भारत के ऊपर में डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, पर इनडायरेक्टली हम ब्रिटिश सरकार के थ्रू उस युद्ध में इन्वॉल्व थे और हमारे ऊपर कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट भी देखा जाता है इनडायरेक्टली तौर पे। और उस पूरे दौर के अंदर में आप देखोगे, जब हमारा गुलामी का दौर चल रहा था, तो भारत के अंदर में कई सारी विचारधाराएं उत्पन्न होती हैं, कई सारी विचारधाराएं विकसित होती हैं। उन्हीं सभी विचारधाराओं में से सबसे महत्वपूर्ण विचारधाराओं के तौर पर राष्ट्रवादी विचारधारा रहती है, जिसका मेन और महत्वपूर्ण पर्पज रहता है स्वतंत्रता प्राप्त करना, स्वशासन की मांग को उठाना, ये सारी चीजें रहती है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, डिटेल में कवर करते हैं। इस पूरे चैप्टर को हम तीन पार्ट में कवर करने वाले हैं। पहला पार्ट करवा चुका हूं, आज की इस वीडियो के अंदर में हम सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर में हम बात करेंगे होम रूल लीग के बारे में। होम रूल लीग है क्या, इसके अंदर में किस तरह से चीजें चलती हैं, क्या स्थापना हुई, कब स्थापना हुई, क्या तत्कालीन कारण थे, क्या परिस्थितियां रही, बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कस करना है होम रूल लीग के बारे में। अगर आप नहीं जानते होम रूल लीग क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारी जानकारियां इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है। सबसे पहले मैं बात करूं होम रूल लीग की स्थापना कब हुई और इसकी तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी। तो आप यहां देखोगे कि प्रथम विश्व जो था 1914 से लेकर 1917-18 तक के दौरान चल रहा था, उस टाइम पे भारत के अंदर में राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रचार था बहुत तेजी से फैला। पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि भारत के ऊपर में प्रथम विश्व युद्ध का इम्पैक्ट क्या पड़ा, प्रभाव क्या पड़ा, वो मैंने आपको बताया। जब युद्ध चल रहा था तो भारत की स्थिति क्या थी, क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो तो हमने देख लिया। पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान में भारत के अंदर में क्या हुआ कि जो राष्ट्रीय आंदोलन थे, ठीक है, अपनी स्वतंत्रता के लिए, स्वशासन के लिए, वो बहुत तेजी से विकास किया, फैल गया, ये भी एक इम्पैक्ट के तौर पे। इसका मेन रीजन क्या था कि भारत के अंदर में स्वशासन की मांग प्रबल हो चुकी थी, बहुत तेजी से विकसित हो रही थी, ठीक है। स्वशासन मतलब क्या, अपना फ्रीडम की मांग कर रहे थे कि भैया मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे अपना शासन चाहिए, स्व मतलब अपना, सेल्फ रूल यहाँ पे मांग करते हैं, स्वशासन की मांग करते हैं। होम रूल मतलब ही देखो, होम रूल का अगर आप ना डिफाइन करोगे वर्ड्स के अंदर में, होम मतलब होता है घर, रूल मतलब होता है व्यवस्था। तो एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सरकार तो तुम्हारी ऊपर, रूल कानून हमारे हो, इसकी मांग की जा रही थी होम रूल की। इसको आगे भी देखेंगे तो आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। अब देखो, भारत के अंदर में दो दल में प्रमुख तौर पर बटे हुए लोग दिखते हैं हमें। एक तो होता है नरमपंथी दल और दूसरा होता है गर्मपंथी दल। नरमपंथी दल के जो प्रमुख नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता माने जाते हैं। राष्ट्रवादी नेता के अंदर में देखोगे आप तो यहाँ पे राष्ट्रवादी नेताओं का मानना था कि ब्रिटिश सरकार जब तक नहीं झुकेगी, जब तक दबाव नहीं डाला जाएगा, ऐसा नहीं हो कि ब्रिटिश सरकार सामने से आकर बोलेगी ये लो भैया, ले लो स्वशासन आपका, ये लो स्वतंत्रता हम आपको दे रहे हैं। तो राष्ट्रवादी नेताओं का मानना यह था कि ब्रिटिश सरकार पर हमें दबाव डालना पड़ेगा और दबाव डालने के साथ में ही वो झुकेगी, तब हमें स्वशासन पूरा हो सकता है, तब वे भारतों की मांग को पूरा कर सकते, ये राष्ट्रवादियों की विचारधारा थी। पर इस विचारधारा से कहीं भी जो नरमपंथी दल था वो कहीं भी ताल्लुकात नहीं रखता था। अब देखो, भारत के अंदर में दो तरह के लोग बटे हुए थे, एक तो नरमपंथी दल था, एक दूसरा गर्मपंथी दल था। नरमपंथी दल के अंदर में उनकी विचारधारा थी कि शांति, अहिंसा, बिना लड़ाई झगड़े के चलना है। जो गर्मपंथी दल था वो आंदोलनकारियों का दल था कि आंदोलन करेंगे, ठीक है, अनशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करके था, जहां पे हम दबाव डालकर, ठीक है, चीजें लेंगे। ऐसा नहीं कि जाकर हम अन्याय करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं था, पर अपनी चीजों के लिए हम आवाज उठाएंगे, ये मानना था गर्मपंथी दल की विचारधारा का। तो अब धीरे धीरे क्या होता है ना, जैसे कि ये जो विचारधारा थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान में वो ज्यादा विकसित होने लगती है, गर्म दल के जो विचारधारा थी उसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है लोगों के बीच में। इसका सबसे मेन रीजन क्या रहता है कि जब युद्ध की स्थिति चल रही होती है भारत के अंदर में, जो इम्पैक्ट पड़ता है उससे लोग प्रभावित होते हैं, वो तो मैंने पहले वीडियो में बताया ही आपको। उस इम्पैक्ट के कारण से लोग कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि हमारे घर में स्वशासन की शुरुआत हो, हमारे स्वतंत्रता मिले, इसकी बात यहाँ पे होने लगती है और उसका प्रभाव बढ़ने लगता है नरम दल विचारधारा का। इस विचारधारा के लोगों ने 1915 से 1916 में दो होम रूल लीग की स्थापना करी, ठीक है, दो एक मतलब एक तरह से ग्रुप बनाया, दो होम रूल लीग करके दो ग्रुप बनाया, ठीक है, इसकी स्थापना कर दी 1915 से लेके 1916 के बीच में ये स्थापना की गई, जिसमें एक लीग के नेता तिलक थे, ठीक है, तिलक को एक लीग का नेता बनाया गया कि भैया एक लीग को आप संभालो, और जो दूसरे लीग की जो नेता थी एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम करके, यहाँ पे दो नेता बनाए गए दूसरे लीग के, ठीक है। इनका मेन पर्पस क्या था कि इसको विस्तार करना,
लोगों को समझाना कि होता क्या है, उसको होम रूल लीग के बारे में बताना, उसको अंदर में लोगों को जोड़ना, ठीक है, ये चीजें रखी गई। जो तिलक थे, जो पहले लीग के नेता बनाए गए थे, वो 1914 में जेल से रिहा हुए थे और उसके पश्चात वो उन्होंने महाराष्ट्र में इस लीग की स्थापना करी थी 1914 में तिलक के द्वारा। दूसरे लीग के नेता के तौर पे एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम को चुना गया था। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी अध्यक्ष थी और उसका मुख्यालय जो था मद्रास में था। तो चलिए, जो भी स्टूडेंट यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो ऑफ द क्वेश्चन आप कह सकते हो, क्वेश्चन ऑफ द वीडियो ये बोल सकते हो। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो था उसका मेन पर्पस क्या था और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये मुझे कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने लोगों को पता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको और भी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। अगर आप हमारे दीन और परिवार से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ सकते हैं। आप हमारे दीन और परिवार को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है। एग्जाम के टाइम पर आपका जो क्वेश्चन पेपर की स्टडी की जाती है वो सिर्फ मेंबरशिप वाले स्टूडेंट को ही करवाया जाता है। तो आपने अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप दीन आपके परिवार को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में वीडियो जो भी देख रहे स्टूडेंट, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे हमारा परिवार और भी बड़ा हो सके। और जो भी स्टूडेंट जिनको नोट्स चाहिए वो डायरेक्टली गूगल ब्लॉगर पे जाके ले सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में गूगल ब्लॉगर का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट आप चैनल के अबाउट में जाके वहां से गूगल ब्लॉगर का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप अपना नोट्स ले सकते हैं। MHI 9 का पूरा अलग से कॉलम बना होगा, वहां से जाके आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो या वहां से कॉपी कर सकते हो। आगे मैं बात करूँ होम रूल लीग का उद्देश्य क्या था बनाने का, तो भारतीयों को स्वराज दिलवाना, कि भैया अपना राज हो, स्वराज की स्थापना हो, इसकी दिलाने की बात करना। स्वराज शांतिपूर्ण तरीके से मिले परंतु सरकार पर दबाव डालकर प्राप्त करना, ऐसा नहीं था लड़ाई झगड़ा करना, पर सरकार के ऊपर में किसी तरीके से प्रेशर बनाया जाए, प्रेशर के थ्रू से हमें स्वराज मिले, इसका मेन पर्पज रखा गया। लोगों को स्वदेशी संस्थाएं और वस्तु को अपनाने तथा विदेशी वस्तु को बहिष्कार करने को प्रेरित किया गया इसके लिए, कि आप उन चीजों का, विदेशी जो चीजें उसको बहिष्कार कीजिए, स्वदेशी संस्थाएं, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाइए, स्वदेशी लोगों को आगे बढ़ाइए, इसके बेसिस पे उसको मोटिवेट किया गया। और ये जो रूल है ना, आज के समय भी हमें ये चीजों को फॉलो करना चाहिए। जो हमारे घर की घरेलू चीजें हैं उसको अपनाना चाहिए। जो भी त्यौहार आते हैं अपने घर के अंदर में, आप कोशिश कीजिए कि हर बार कुछ ऐसी वस्तुएं लेकर आए जो आपके घर के लोगों को प्रमोट करे, अपनी घरेलू वस्तुओं को प्रमोट करे, ना कि विदेशी वस्तुओं को हम प्रमोट करें, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे अपनाई गई। होम रूल लीग का मेन पर्पस तीन थे। साथ में ये दो होम रूल लीग का बहुत ज्यादा लोकप्रिय होता चला गया। लोकप्रिय होने के कारण से क्या हुआ, 1915 से लेकर 1916 में इसकी स्थापना की गई थी, दो होम रूल लीग बनाए गए थे, और 1917 में मात्र एक साल के अंदर में इसकी जो संख्या थी, सदस्यों की संख्या, वो ऑलमोस्ट 60,000 के करीब में पहुंच गई थी। होम रूल लीग के अंदर में एक साल के अंदर में 60,000 सदस्य थे। इसके कार्यक्रम देखोगे कि किस तरह के क्या कार्यक्रम रहा, तो यहाँ पे क्या था, नेताओं ने बहिष्कार और तीव्र विरोध का सहारा लिया। जो नेता जितने भी थे वो इसका बहिष्कार करने लगे, तीव्र विरोध करने लगे। अंग्रेजी और देसी भाषाएं जो थी उसके समाचार माध्यमों से, समाचार पत्रों के माध्यम से, विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को सबसे पहले शिक्षित किया गया, राजनीतिक तौर पर गठित किया गया, संगठित किया गया, उनको आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त कर दिया गया कि किस तरह से क्या आंदोलन चल रहा है, किस तरह से क्या चीजें हैं, उसको शिक्षित करने का प्रयास यहाँ पे किया गया लोगों को, जनता को, ताकि अंग्रेजों पर होम रूल लीग मांगने के लिए दबाव बनाया जा सके। अगर मान लो हमें किसी गवर्नमेंट को हटाना है, किसी चीज को करना है और लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं होगा, तो लोग किस तरह से दबाव बनाएंगे, क्या करेंगे? लोग तो मस्त मजे में खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे। तो दबाव तभी बनाया जा सकता है जब लोग शिक्षित होंगे, जानकार होंगे। तो इसके यहाँ पे सबसे मेन पर्पज पहला क्या गया कि जो भी अंग्रेजी माध्यम या हिंदी माध्यम के जो भी अखबार पत्र है, समाचार पत्र, उसके जो भी विज्ञापन आते हैं, ऐड आते हैं, उसके माध्यम से लोगों को सबसे पहले एक राजनीतिक तौर पर संगठित करो, इकट्ठा करो, लोगों का पूरा भीड़ होना चाहिए और लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करो, तब हम जाके अंग्रेजों पे दबाव बना सकते हैं। ये मेन पर्पज रखा गया। एनी बेसेंट ने अपने समाचार पत्र, इनका खुद का समाचार पत्र था न्यू इंडिया करके, जिसमें लोगों से उन्होंने अपील करी कि खंडित सुधारों की अपेक्षा भारतीय सुशासन की मांग की जाए। खंडित सुधार मतलब क्या कि जब भी आंदोलन होता था ना तो क्या करती थी गवर्नमेंट, चलो दो रूल आपके मान लिए, दो रूल हमने अपने इंप्लीमेंट कर दिए, ठीक है, थोड़ा बहुत ये चेंज कर दिया, थोड़ा बहुत ये कर दिया। तो इस तरह से जो चीजें रहती थी ना, जिसमें थोड़ी बहुत चीजें एक्सेप्ट की जाती थी, उसको खंडित सुधार कहा गया। तो यहाँ पे क्या गया, खंडित सुधारों की बजाय ना आपको भारतीयों को स्वशासन की मांग करना चाहिए कि हमें भैया अपना खुद का शासन चाहिए। स्व मतलब अपना, सेल्फ, शासन मतलब रूल रेगुलेशन, भैया हमारा खुद का रूल रेगुलेशन चाहिए और किसी और का नहीं चाहिए। तो ये चीजें यहाँ पे कहा गया एनी बेसेंट के द्वारा में, ठीक है। शीघ्र ही एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया जाता है इस मूवमेंट के बाद में,
कई समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, सरकार की दमनपूर्ण नीति सफल नहीं होती है। अभी भी भारत के अंदर में कुछ समाचार पत्रों के एंकर जो है, उन चैनल्स के एंकर, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। तो क्या ये सरकार की दमनपूर्ण नीति के तौर पे माना जाएगा, ये भी एक क्वेश्चन के तौर पे आप देख सकते हो। सरकार आंदोलन को कुचल नहीं सकी, ठीक है, जो आंदोलन चल रहा था, मूवमेंट चल रहा था, उसको कुचल नहीं सकी, वो धीरे धीरे फैलता चला गया। उसके बाद देश विदेश में भी ये आंदोलन त्रिभुवन उठा, ऐसा नहीं था कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया के अंदर में देखा जा रहा था, जबकि बाहर भी, इंडिया के बाहर भी इसका इम्पैक्ट देखा जा रहा था। देश में प्रदर्शन, हड़तालें और सभाएं हुई, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रहने वाले भारतीयों ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना करी। इसके लिए जो इस मूवमेंट जो चल रहा था ना, इस तरह के मूवमेंट के लिए यहाँ पे 1913 में गदर पार्टी की स्थापना करी। उनका भी मेन पर्पज था कि हम विदेश से इनके ऊपर दबाव बनाएंगे। इन्हीं दिनों के अंदर में भारत में अंग्रेजियों के विरोध में युद्ध छेड़ने की शपथ ले ली गई थी कि हम युद्ध छेड़ेंगे अंग्रेजों के लिए, युद्ध लड़ेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे, इस तरह की शपथ ली गई थी। विभिन्न स्थानों पर सरकार के विरुद्ध कार्यवाही से प्रेरित होकर सिंगापुर स्थित भारतीय सैनिक की टुकड़ी ने 700 जवानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, ठीक है। ये जवान जो 700 जवान थे, इन्होंने सिंगापुर के अंदर में स्थित, मतलब वो लड़ रहे थे, किसी पोस्ट पे खड़े थे, पर उन्होंने भारतीय बटालियन होने के कारण से उन्होंने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। पर ये विद्रोह का सफल तो नहीं हुआ, पर उन्होंने सरकार को जता दिया कि हमारी जो तुम्हारी दमनकारी नीति है, हम उससे खुश नहीं है, असंतोष की भावना सेना के अंदर में भी फैल रही है और आपके खिलाफ वो खड़ी हो सकती है, इस तरह की चीजें जताई गई। सेम इसी तरह के जो असंतोष की भावना थी ना, आप 1857 के विद्रोह को अगर आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या किस तरह के सैनिक के अंदर में असंतोष की भावना जगी। अगर जो जिस तरह की गलत फहमी या जो भी चीजें हैं जो अंग्रेजों के सामने रखी गई, अगर वो चीजें नहीं होती, सैनिक के मन में नहीं आता, तो शायद कोई कभी भी जो भी नेता के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये रेल लीड कर रहा था, ये ऐसा था ऐसा था, शायद कोई कहीं भी दिखता नहीं, ठीक है। कहीं ना कहीं उन सैनिकों के मन में वो चीजें आया, जिसके बाद 1857 का विद्रोह हम देख पाते हैं कि वो सबसे पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के तौर पर जाना गया। अगर वो चीजें नहीं होता तो नहीं हो पाता, ये भी चीजें हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है। तो यहाँ पे सेना के अंदर में वो विरोध जो था वो आ जाता है, सफलता का यहाँ पे भावना आ जाती है, जिसके बाद वो जो चीजें होती है वो तो सफल नहीं हो पाती है, जो विद्रोह होता है वो सफल नहीं हो पाता है, पर कहीं ना कहीं सरकार के अंदर में ये चीजें जरूर सेट कर दी जाती है माइंड में कि हम आपकी चीजों से खुश नहीं है, असंतोष की भावना है हमारे अंदर, हम आपकी दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। इंग्लैंड के संसद में यह घोषणा की गई कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को जो प्रशासन के अंदर में विभिन्न विभाग थे, अधिक से अधिक भाग लेने के लिए अवसर दिया जाएगा। अब देखो, मैंने ऊपर में आपको बताया था एनी बेसेंट के ऊपर में कि खंडित सुधार होता क्या है, जब छोटे 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 चीजें की जाती है। तो यहाँ पे क्या किया है, इंग्लैंड के संसद के अंदर में घोषणा किया गया कि भैया आप चलो, एक चीज इतना बातचीत हो रही है ना हमारी, तो चलो एक चीज ले लो। तो क्या चीज ले लो, तो जो भी ब्रिटिश लोग हैं, जो ब्रिटिश सरकार है पूरे भारत के अंदर में, उसका जो भी प्रशासन व्यवस्था है ना, उसके अंदर में हम कुछ सुधार करेंगे और प्रत्येक विभाग के अंदर में भारतीयों की नियुक्ति की जाएगी और अधिक से अधिक नियुक्ति की जाएगी, अधिक से अधिक पार्टिसिपेट किया जा सकता है लोगों के द्वारा, और उसके अंदर में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। जैसे जितने भी बड़े बड़े पद थे, आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, जितने भी जो इस तरह के एग्जाम हुआ करते थे, मान के चलो जो ब्यूरोक्रेट सिस्टम था उनका पूरा, तो उस ब्यूरोक्रेट सिस्टम के अंदर में हमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा, इसकी यहाँ पे सुधार की गई। जिस तरह से खंडित सुधार की जो बात ऊपर एनी बेसेंट ने किया, उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम आप देख सकते हो। राष्ट्रवादी नेता ने, जो अंग्रेजों को, राष्ट्रवादी नेताओं का मानना था कि अंग्रेजों का झूठे अवशासन को सुनकर वो तंग आ चुके हैं, अंग्रेजी घोषणाओं के विश्वासों के बावजूद स्वराज की मांग जो थी वो बल पकड़ती चली जाती है, ठीक है। ये उनका मतलब, ये राष्ट्रवादी नेताओं का मानना था कि भैया देखो, जो अंग्रेज है ना, उनका तो झूठ बोलना है, आश्वासन देना है कि ऐसा ऐसा कर लो, उन्होंने बोला कि युद्ध में साथ दो जिसके बाद सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, पर ऐसी कुछ भी चीजें ठीक नहीं हुई। तो ये चीजें भी यहाँ पे देखी जाती है। साथ साथ में अंग्रेजी घोषणाओं के बाद में, जब अंग्रेजों ने बोला कि मैं ये कर दूंगा, उसके बाद भी लोगों के अंदर में स्वराज की जो मांग थी वो बल पकड़ती चली जाती है। फिर उसके बाद आगे का कैरेक्टर शुरू होता है। आरसी मजूमदार ने लिखा यहाँ पे कि श्रीमती एनी बेसेंट तक, और एनी बेसेंट, सॉरी देखो, आरसी मजूमदार ने लिखा कि श्रीमती एनी बेसेंट और तिलक, उनकी गतिविधियों द्वारा होम रूल लीग जो था आंदोलन दूर दूर तक देश में फैला, उसका प्रचार हुआ, राजनीतिक में एक प्रबल आंदोलन बन गया। इस टाइम पीरियड में जब आरसी मजूमदार लिख रहे थे, तो ये बताते हैं कि एनी बेसेंट और तिलक का जो ये पूरा गतिविधि था ना, होम रूल आंदोलन था, वो देश के अंदर में विभिन्न इलाकों में फैला हुआ, उसका प्रचार हुआ, विकास हुआ,
राजनीतिक तौर पे एक प्रबल आंदोलन के तौर पे बना मन गया, ये चीजें यहाँ पे देखी जाती है। उसके बाद आगे का यहाँ पे शुरू होता है गांधी जी के द्वारा, गांधी जी का आगमन हो जाता है 1919 के अंदर में, तिलक की मृत्यु हो चुकी होती है इस टाइम पीरियड के अंदर में। तिलक की मृत्यु के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की जो बागडोर है संभालने के लिए असहयोग आंदोलन का शुरुआत हो जाता है गांधी जी के द्वारा में। और साथ ही में जो यहाँ पे एनी बेसेंट जो होती है वो सक्रिय आंदोलन जो राजनीतिक जो प्रक्रिया थी उससे वो संन्यास ले लेती है, और यहाँ से गांधी जी का शुरू होता है। आगे का जो पॉइंट आप चैप्टर पढ़ोगे उसके अंदर में आप गांधी जी के बारे में बात करोगे कि गांधी जी की राजनीतिक सफर कैसा रहा, किस तरह से आगे बढ़ा, जो चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का एक पार्ट और है जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में करवाने वाला हूँ। आगे मैं बात करूँ होम रूल लीग जो आंदोलन था उसका महत्व क्या था, किस तरह का इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे महत्व को देखोगे इस स्वराज को, मतलब इसने स्वराज की जो योजना थी ना उसको ठीक तरीके से लोगों के बीच में प्रस्तुत किया, सही तरीके से प्रेजेंट किया कि हमें स्वराज चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए। इस आंदोलन का यह अनुभव हुआ कि स्वतंत्रता के संघर्ष में राष्ट्र के समक्ष संसाधनों का प्रयोग में लाना चाहिए, जो भी जनमानस है छोटा छोटा बड़ा से बड़ा हर व्यक्ति को इसके अंदर में पार्टिसिपेट करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में यहाँ पे चीजें सोची गई, तो इस तरह की चीजें देखी जाती है। विभिन्न भिक्षावृत्ति ठीक है वाले नरमपंथी महत्व को खत्म कर दिया गया, जो भिक्षावृत्ति वाले नरमपंथी लोग थे, नरमपंथी वाले क्या, जो अंग्रेजों से बोलते थे यार दे दो यार हमें दे दो, इस तरह से भीख मांगने वाले लोग थे। भिक्षावृत्ति का मतलब यही होता है भीख मांगने वाले, तो भीख मांगने वाले लोगों की जो विचारधारा थी ना कि यार हमें स्वतंत्रता दे दो, हमें आजाद कर दो, तो इस चीजों को उन्होंने यहाँ पे खत्म किया। साथ साथ में इस आंदोलन ने क्या किया, जनता में स्वतंत्रता के प्रति नया उत्साह भर दिया, लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थे कि यार हमें ये चीजें चाहिए, लोगों ने इसके अंदर बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया, भाग लिया इस आंदोलन के अंदर में। ठीक है, इसका प्रभाव यह रहा कि इंग्लैंड तथा अमेरिका पर भी इसका असर पड़ा। ठीक है, उन्होंने भारत के में स्वराज्य की स्वराज प्रदान करने के लिए आवाज उठाई। ठीक है, भारत के पक्ष में उन्होंने बोला। ठीक है, ब्रिटेन के लेबर पार्टी जो थी उसके नाटिंघम के, अगर आप देखोगे अधिवेशन के अंदर में ये जगह है। ठीक है, अधिवेशन के अंदर में देखोगे तो होम रूल के पक्ष में प्रस्ताव पास किया गया। इसी आंदोलन के अंदर में 1919 में सुधार आंदोलन भी लाया गया। सुधार आंदोलन की क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, तो एक तरह से सुधार आंदोलन भी लाया गया। ठीक है, सुरेंद्र पाल बनर्जी इस संबंध में लिखते हैं, यहाँ पे वो लिखा जाता है उनके द्वारा कि इस घोषणा ने विदेशियों के मुंह बंद कर दिए। जो ये घोषणा था ना कि भैया इस तरह से चीजें चलेंगी, इस तरह से होगा, सुधार आंदोलन जो लाया गया, उसने ये जैसी घोषणा किया तो उसके बाद जो भी विदेशी लोग थे जो भारत की भूमि पे खड़े थे, जो हमें गुलाम बना रखे थे, उनका कहीं ना कहीं मुंह बंद हो चुका था कि किस तरीके से क्या चीजें चीज की जाएंगी। ठीक है, तो ये भी चीजें देखी जाती हैं। जो पूरा दौर चल रहा है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का चल रहा है। इम्पैक्ट मैंने आपको बता चुका हूँ भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ा पहले वाले पार्ट के अंदर में। सेकेंड पार्ट के अंदर में हम होम रूल लीग को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। थर्ड पार्ट जो हम स्टार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट के अंदर में हम डिस्कस करेंगे कि लखनऊ समझौता क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस रहे, ये हमारा थर्ड पार्ट रहने वाला है। तो चलिए यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूंगा। बस आप सभी व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी व्यूवर्स हैं हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, आपको टाइम से वीडियो मिलती रहेंगी, तो आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। हमारे आपके एक एक लाइक से सब्सक्राइब से हमारा जो दीनअप का परिवार है वो बढ़ता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छे से मेहनत कर पाते हैं और अच्छे से आपके लिए वीडियो लेकर आ पाते हैं। तो यहाँ पे लाइक से सब्सक्राइब के साथ में वीडियो एंड करिए। और नोट्स चाहिए तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी मिल जाएगा। वहाँ पे बार बार आपको हर बार जो भी अपडेट होते हैं, लिंक्स होते हैं वो डाले जाते हैं, तो आपको वहाँ पे भी अपडेट मिलता रहेगा। नहीं तो डायरेक्टली आप गूगल ब्लॉगर पे जाके हमारे एमए हिस्ट्री के नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए उसमें यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।